हाँ भाई, तुम्हारे घर की खानदानी डिशेस क्या हैं और तुम्हें क्या आता है? मुझे पता है तुमने बहुत देर में सीखा, लेकिन चलो देर है दुरुस्त है। नहीं, मैं सीखा मैंने बहुत जल्दी है, बचपन से खाना पका रही हूँ। अच्छा, अम्मी दोपहर में सोती थी ना, तो मेरा वो एक्टिविटी ये होती थी कि कहीं से मुझे बोनलेस चिकन मिल जाए तो मैं अपना बना के खुद ट्रे में सर्व करके खाती होती थी। या आई लव कुकिंग, लेकिन मेरे अपने घर की डिफरेंट डिशेज हैं, लाइक यू नो खड़े मसाले का गोश्त और उस तरह की चीज़ें। और ससुराल में जैसे गलावट के कबाब बड़े शौक से खाए जाते हैं, शिमला कीमा बड़े हम शौक से खाते हैं, शिमला मिर्च कीमा, तो गोश्त खो रहे हैं। और हाँ, मतलब मेरे यहाँ काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें जो है ना इस तरह से बनती हैं। वो मेरी सास पाए बड़े अच्छे बनाती हैं भैंस के, वो नहारी, यू नो, तो वो उनसे सीख रहे हैं। हाँ, एंड शी मेक्स द बेस्ट शामी कबाब एज़ वेल। व्हाट अबाउट लाइक द टेस्ट, स्पाइसी या किस तरह का होता है? नॉट टू मच, मतलब अच्छा, मतलब मसाला खाते हैं, ये नहीं कि वो पागल ही हो जाए खा के मिर्चों से बदहाल, नहीं। हाँ, नहीं बेसिक, पहले तुम फिर भी बहुत नहीं खाते, नहीं, चटपटा होता है, पहले बहुत खाते थे, उसके बाद यू नो विद एज सबने कम कर दिए जरा मसाले, क्योंकि वो ससुराल में क्या सीन है, ससुराल में भी चटपटा खाते हैं, वो लोग भी चटपटा खाते हैं, तो सब करे ना इसको अपने टेस्ट बट बदलने नहीं पड़े। बहुत मिर्च खाने लगी हैं। अच्छा, या अम्मी मेरी बहुत खाने लगी हैं, मुझे आजकल बहुत दिल चाह रहा है मिर्चें, खट्टा और पता नहीं क्या ऐसी चीजें, चटपटी चीजें, मुझे चटपटा खाने का बहुत दिल चाहने लगा, सीरियसली होती है। तुम लोग तो पठान हो, तो तुम लोगों के घर में तो मुझे लगता है थोड़ा सादा खाना बनता हो। नहीं नहीं नहीं, अब हमारे घर में ये ज्यादा नहीं, सादा नहीं, हमारा कॉम्बिनेशन जो है ना अम्मी अब्बू का, बाबा का ताल्लुक यूपी से। अच्छा, यूपी से, शाहजहानपुर से। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। और मम्मी पठान, बाबा भी पठान, मम्मी भी पठान, पर हम थोड़ा सा हम लोग पंजाबी कुकिंग, तो वो मिक्स। तो ये कि बाबा को बहुत ही प्यारी पतली पतली कटी हुई भिंडिया पसंद थी, अल्लाह बख्शे, हम लोग जो है टमाटरों से भरी हुई भिंडिया बनाते हैं, तो वो ग्रेट कॉम्बिनेशन था। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि वो कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट, तो हमारे घर में सलाद, दही, स्टेपल होता था, तीनों टाइम, मतलब कि वो तो मस्ट है, लवाज मस्ट, लवाज मस्ट। यू हैव ब्यूटीफुल स्किन, दैट्स हाउ, नो वंडर यू हैव ब्यूटीफुल स्किन। और हम लोग रेड चिली के इतना ज्यादा इस्तेमाल तो होता है, मतलब कम होता है, कुटी हुई लाल मिर्च, लेकिन जो हरी मिर्च है ना, ओके, उफ, वो फुल ऑफ विटामिन सी, कहते हैं हरी मिर्च में 6 किनो, 6 ऑरेंजेस के बराबर विटामिन सी होता है, एक हरी मिर्च में, एक हरी मिर्च। और हम लोग ऐसे हरी मिर्च हम खाते हैं जैसे आप मेरे घर में अंगूर, तुम खाओ सारा, ओ खाली भी खा लेते हैं। ओ माय गॉड, हां, मेरे मुझे तो सही रहती है, मेरे बैग में होती है, क्योंकि हर जगह जाओ ना आपके पास हरी मिर्चें हैं। हां नहीं जी, वो तो नहीं है, तो वो मैं बैग से निकाल के ना, जैसे इस तरह हम अंगूर खाते हैं, इस तरह हरी मिर्च, जैसे मेरी बहन अपने बैग में टबैस्को सॉस रखती है, हर वक्त जहाँ गई वो अपना टबैस्को निकाला, शी कैन नॉट लिव विदाउट टबैस्को। और ये कि दही का इस्तेमाल हुआ, तो हम लोग एक पर्शियन डिश है जो कि हम लोग बचपन से चावलों के साथ या इवन खाली बुरानी, वो दही, बैंगन और उसके ऊपर ग्रेवी होती है, और वो आप बेशक खाली भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ये क्या, ये डिश है जो आप बना रही हो? दही के ऊपर, दही के ऊपर बैंगन फ्राई करके, वाओ, वो डाल के और उसके ऊपर टमाटर और ये हरा धनिया और जीरा मसाले की ग्रेवी, ये घर की डिश खास जो बनती थी, ये हमेशा से होती। वाओ, तो इसको कहते क्या है? बुरानी, बुरानी, बुरानी। अच्छा, ये एक्चुअली पर्शियन डिश है। हाँ, लेकिन क्योंकि हम लोगों का थोड़ा सा फैमिली में इन्फ्लुएंस भी था पर्शियन, जैसे काबुली पुलाव हो गया, बुरानी हो गई, वो भी ये बना कर हम लोग, वो क्या कहते हैं, पूरे पाकिस्तान की जो डिशेज है ना हमारे घर में बनती है।